आज 1450 रुपए मंडी में गेहूं बिच रहा है और इनका पानी 20 रुपए किलो बिच रहा है। ये हमारे साथ अन्याय नहीं है तो क्या है? जो 18 रुपए किलो किसान से लेके 49 रुपए किलो खुद बेचते हैं या 120 रुपए किलो चावल बेचते हैं, क्या इनसे किसान को फायदा हो रहा है या आम जनता को फायदा हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक। अभी हम हरियाणा के पलवल के इलाके में हैं और ये मेन हाईवे है जिसे महाराष्ट्र और गुजरात और मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के इलाके से जो किसान आए हुए हैं भारत सरकार द्वारा पारित जो 3 कानून थे उनके खिलाफ उन्होंने इस हाईवे को ब्लॉक कर दिया है। मैंने इस वर्ष खरीफ की फसल में जो उर्द की बोनी की थी उस बोनी में जो लागत आई, लागत के हिसाब से फसल की पैदावार नहीं मिली क्योंकि वर्षा के अभाव में वर्षा नहीं हुई, अल्प वर्षा में फसल सूख गई, इसलिए पहला पैदावार में जो लागत निकलनी थी वो भी नहीं निकली। हमने इन साल जो बाजरा की फसल लगाई थी उसमें प्रति एकड़ में 19,500 रुपया लागत के लगे हैं और जब फसल बेची वो 21,500 रुपए की बिकी। और दूसरा जो है हमने इसमें अपना जो है श्रम दान है, रोजाना खेत की रखवाली करते हैं, जो आवारा जानवरों से फसल को बचाने के लिए वो हमने इसमें नहीं जोड़ा है। इसके बाद जैसे ही हमारी जो उर्द की फसल करते हैं उसमें फसल बीमा योजना के लिए जब हम खाद खरीदते हैं या ऋण लेते हैं तो वहाँ पर हमारे फसल के बीमा लिया जाता है, लेकिन फसल का आते नष्ट होने पर उर्द की फसल तिलहन जो नष्ट हो गई उसका बीमा का कोई पैसा नहीं मिलता है। सरकारी खरीद होती है जब किसानों के हाथ से फसल बेच जाती है सस्ते दामों पर। इस वर्ष जो है बाजरा समर्थन मूल्य था 2150 रुपए, लेकिन आधे से ज्यादा किसानों 75% किसानों ने मंडियों में बेचा है 1200-1300 रुपए कुंटल से अधिक नहीं बेचा है। तो और जब खरीद शुरू हुई तब किसानों से बाजरा बिच चुका था और जिन किसानों का बाजरा कुछ रह भी गया था वो मंडियों सोसाइटियों पर रजिस्ट्रेशन पर बिक्री के लिए गए थे तो 10-10 दिन वहां पर ट्रॉलियां खड़ी रहीं और जो व्यापारियों का जो बाजरा जो है सीधे तुलता था। तो ये जो है अनियमितताएं, भ्रष्टाचार, इससे किसानों को कुछ नहीं मिल पाता। एमपी में जो रहते हैं हमारे एक डबरा मंडी है जिसको हमारा धान का कटोरा कहा जाता है, वो एमपी की सबसे बड़ी मंडी है। उस जगह पे अगर हमारा धान बिकना स्टार्ट हुआ था उसका रेट जो गवर्नमेंट का रेट था 1860 रुपए था और हमारी जो खरीद थी वहां पे 1300 रुपए थी, 1200 रुपए थी, 1400 बासमती चावल इसको बोला जाता है, जिसमें मार्केट में अगर मॉल में जाते हैं उसका 160 रुपए 170 रुपए किलो चावल बिकता है। उस चावल उस धान को हमारे लिए सिर्फ मात्र 1400-1300 रुपए का भाव दिया जाता है। अब उसका जो इनका गवर्नमेंट का रेट है वो 1860 रुपए है। इसका अनुमान लगाइए कि ये किसान के साथ छल नहीं है तो क्या है? किसान इसके ऊपर कोई विरोध नहीं करता है, अगर विरोध करते हैं तो ये तानाशाही करते हैं। अगर हम मंडी के गेट पे जाते हैं अगर कोई चार भाई अगर उसका विरोध करते हैं तो ये उठा के थानों में बंद करवा देते हैं, किसान का मुंह वहीं की वहीं बंद कर दिया जाता है। ये कहते हैं कि हम साहब किसानों का फायदा करना चाहते हैं, हम फायदे के लिए ये कानून लेके आए हैं और फिर इन्होंने फायदा करना था तो फिर उसमें बदलाव क्यों कर रहे हैं? नंबर एक, जो फायदे का था जब हमें पता है हमारी धान आज 15-16 रुपए किलो बिक रही है, उसका चावल जो 100-125 रुपए किलो बेचते हैं, क्या इतना मार्जिन उसमें हो जाता है क्या? उसमें हमें खुद की फसल बेच के आया हूँ, 15 रुपए किलो चावल धान बेची है, उसका चावल बेचेंगे जो 120 रुपए किलो 100 रुपए किलो। आज भी आप मॉल में जाके देख लो, अंबानी मॉल में देख लो, रिलायंस मॉल में देख लो जाके, हमारा गेहूँ बिक रहा है 1500 रुपए, 49 रुपए किलो गेहूँ लगा हुआ है मॉल में। और जो कहते हैं साहब किसानों का फायदा हो जाएगा इसके आने से, क्या मजदूरों को, क्या आम जनता को इससे फायदा हो रहा है क्या? जब हम खुद जो साधन था इसलिए हम तो अपने ट्रैक्टर को 6-7 दिन तक रखे रहे
और लाइन में लगाने के बाद और हमारा बाजरा बिक गया, लेकिन हमारे साथ ही कुछ जो साधन विहीन थे वो ट्रैक्टर लेकर किराए से गए थे और उन्होंने 10 दिन ट्रैक्टर खड़ा रहा था, 500 रुपये पर डे के हिसाब से 5000 रुपये ट्रैक्टर के भाड़े के बन गए। इसलिए उन्होंने मजबूरन जो अपना बाजरा जो 1300 1350 अधिकतम रेट में बेचा। कोई यहाँ पे मेडिकल की सुविधा नहीं है, कोई यहाँ पे नहाने धोने की सुविधा नहीं है, कोई बिजली की व्यवस्था नहीं है। वो तो हम यहाँ पे आए, यहाँ पे लोकल किसान जो हरियाणा के हैं, हमारे किसान बंधु हैं, वो अपने पंप से हमको लाइट दे रहे हैं, उसका बिल वो खुद पे कर रहे हैं। गवर्नमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है, लोकल के लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। यहाँ पे आके लोकल के लोग हमारा समर्थन कर, आज देखेंगे पहले तो एमपी के थे, फिर उसमें यूपी के भी आ गए, उसमें फिर गुजरात से भी आए। वो कहते हैं मॉडल है गुजरात, हमारा भी मॉडल बन गया, हम गुजरात जैसा बनाएंगे। और भाई गुजरात वाले तो खुद यहाँ पे पलवल में आ गए हैं, वो दिल्ली को घिराव करने के लिए आए। आप किस मॉडल की बात कर रहे हो? एक जो इंटरेस्टिंग चीज जो हमें यहाँ पे देखने को मिली और समझने को मिली वो ये थी कि इन किसानों को जो लोकल किसान हैं और जो यहाँ पे पलवल और आसपास के इलाकों से हैं, वो आकर अपनी रसद दे जा रहे हैं ताकि इनकी इनकी आपूर्ति में कोई कमी ना पाए। अगर मैं बताऊं आपको तो उन्होंने यहाँ पे दूध दिया है, उन्होंने यहाँ पे आटा दिया है, उन्होंने यहाँ पे चीनी दिया है, तो एक यूनिटी जो है वो हमें जरूर बनती हुई यहाँ पे दिख रही है। सर आप यहाँ पे जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें अपना समर्थन कैसे दे रहे हैं? ये सर हम अपना समर्थन हमारे गांव से यहाँ आटा भी, घी के पीपे, लस्सी, दूध वगैरह, फल, सब्जी, ये हमारे नौजवान सारी चीज यहाँ पर लाते हैं और यहाँ वितरित करते हैं जन समुदाय के लिए। बारिश ओला और तुम्हारी बाढ़ खोल के ये संपत्ति हमारे लिए रखिए आज हमारे।